Okay, hi everyone. So today we will discuss this problem of H.C. Verma, and we will also talk about the possible variations, you know, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, यू नो, और किस तरह से घुमा के पूछ सकता है, और व्हाट शुड बी योर बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स सी. A popular game in Indian villages is goli, which is played with small glass balls called golis. The goli of one player is situated at a distance of 2 meter from the goli of the second player. The second player has to project his goli by keeping the thumb of the left hand at the place of his goli, holding the goli between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 cm from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier? Okay. So, you know, इस तरह से balls होते हैं, अगर आपने बचपन में कभी खेला हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गेम. सो इसमें क्या होता है कि गोली होता है, गोली क्या होता है, कांच का एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है, छोटा सा, है ना, इस तरह से एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बहुत छोटा होता है, लाइक यू कैन यू नो प्रोजेक्ट इट विथ यूअर फिंगर्स ऑल्सो. सो इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये फर्स्ट प्लेयर की गोली यहाँ पर रखी हुई है, कितने डिस्टेंस पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर, और जो सेकंड प्लेयर है वो अपना थंब इस पोजीशन पर रखेगा, इस पोजीशन पे उसका थंब होगा और यहाँ पर इस तरह से हाथ होगा उसका, और यहाँ से वो अपने जो फिंगर है उससे इसे प्रोजेक्ट करेगा, उसकी जो गोली होगी, दिस इज द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर, तो यहाँ से वो प्रोजेक्ट करेगा और वो दैट इज गिवन हॉरिजॉन्टली. सो वो उसे दिया है कि ये हॉरिजॉन्टली विथ सम वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट करता है, सच दैट कि ये फाइनली एक प्रोजेक्टाइल में मोशन करते हुए डायरेक्टली जो फर्स्ट गोली, फर्स्ट प्लेयर की गोली है उसे हिट करती है. सो हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द गोली, सेकेंड गोली, जो सेकेंड प्लेयर की गोली है वो उसे कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना चाहिए हॉरिजॉन्टली, मीन्स ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट ये डायरेक्टली अपना हॉरिजॉन्टल यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ सेकेंड जो फर्स्ट प्लेयर की गोली है उसे हिट कर दें. सो दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. और ये दिया है कि जो हाइट है जहाँ से जो सेकेंड प्लेयर अपनी गोली यू नो प्रोजेक्ट करता है, दैट इज 19.6. सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 19.6 सेंटीमीटर, सो यू कैन टेक 0.196 मीटर. अब सिंपली ये यू नो प्रोजेक्टाइल का सवाल है, आपको इतनी हाइट से हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है सच दैट उसका रेंज 2 मीटर आए. अभी देखो हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन से यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड देन रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट. जैसे इस केस में जो वी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो टी इंटू वी दैट विल बी यूअर रेंज, दैट इज 2 मीटर, राइट? 2 मीटर होनी चाहिए. अब वहां से वी आ जाएगा, वंस वी गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई डायरेक्शन के मोशन से आता है, बिकॉज वाई डायरेक्शन के मोशन में एक कंस्ट्रेन होता है कि जैसे ही जो आपका बॉल या ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा उसका मोशन खत्म हो जाएगा. सो फ्रॉम देयर यू कैन इजिली फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. लेट्स सी, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, यू वाई, दैट इज 0. सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट इज वी. व्हाट इज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विल बी माइनस जी, और यू कैन टेक डाउन, और यू कैन टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो दैट विल बी जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्दर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू एस वाई कह देते हैं उसको, दैट इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज डाउनवर्ड, राइट? सो अगेन दैट इज विल बी पॉजिटिव. नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट मीन्स 0.196 इज इक्वल टू यू टी, यू इज 0, सो यू टी इज 0,
plus half of at square, a into t square. From here we can find out the time of flight, that is 9.8, okay, say divided by 100 कर लो, 19.6. now this will be twice, so ये कितना आ रहा है, 2 by 100, and this further 2 into 2, 4 by 100, that is equal to t square. तो यहाँ से आएगा आपका t is equal to 0.2 seconds. so 0.2 second is the time of flight. once we get time of flight, you can substitute value of t, that is 0.2 here. so solve for v, v will be 2 upon 0.2, that is 10 meter per second. okay, so ये तो बहुत simple problem था, right? straight forward. और इस question में क्या variation कर सकता है, let's say इस बार जो आपका second player है वो अपनी गोली को ये horizontally project ना करते हुए किसी angle theta पे project करता है, theta पे, right? with some velocity u, और जो first player की गोली है वो डिस्टेंस डी पर रखी हुई है, डी डी विल बी गिवन टू यू. देखो डाटा जो गिवन होगा वो होगा डी, और कितनी हाइट से वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी गिवन होगा, एच विल बी गिवन, ठीक है, और क्या गिवन होगा, थीटा, थीटा विल बी गिवन कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा है. आपको निकालना क्या होगा, टू फाइंड आपको करना है यू, या फिर आप यहाँ पे यू कह लो, ठीक है, यू कह लेते हैं कि कितनी स्पीड से उसे प्रोजेक्ट किया जाए, इनिशियल स्पीड, सो दैट वो जाकर जो फर्स्ट प्लेयर की गोली है उसे हिट करे डायरेक्टली, विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, डायरेक्ट जाके इसे हिट करना है. जैसे अगर पहले वाले केस की बात करें तो वहां पे जो डी था वो 2 मीटर था, और जो एच था वो 0.196 मीटर था, और जो थीटा था वो 0 डिग्री था. अब हम जनरल सॉल्व करना चाहते हैं फॉर एनी जनरल वैल्यू ऑफ डी, एच एंड थीटा. सो उस केस में कैसे करेंगे, सी अगर आप यू नो जैसे हमने पहले किया था वैसा करो, तो पहले हमें क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो लेट्स सी कैसे वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा. हम कंपोनेंट वाई डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं. वाई डायरेक्शन में लेट्स ब्रेक द कंपोनेंट फर्स्ट, यू कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड यू साइन थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा. What is acceleration in y direction? That is minus g, because that is downward. This time we have taken upward direction as positive. Okay. What is displacement in y direction? Sy, that will be minus of h, right? Because final displacement will be downward. ये आपका initial position है, और यहाँ से आपको final displacement downward आ रहा है minus h. So s is equal to ut plus half at square से time of flight आएगा. What is s? Is equal to ut plus half of what is a minus g into t square. अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता है, h पता है, known है हमें, क्या पता है, sin theta पता है, u नहीं पता और t भी नहीं पता. अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए. यू कैन सी यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं वो क्या क्या वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स में अगर मैं काउंट करूँ तो u भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है. तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, सो आपको एक वन मोर इक्वेशन चाहिए. तो वो कहाँ से आएगी, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे चलते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास देखो क्या है, डी आपको पता है, और यू साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट. जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो आएगी यू कॉस थीटा, दैट इज द वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन टू टी. टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट. अच्छा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी आई एम यूजिंग फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट शुड बी इक्वल टू डी. डी क्या है, जितनी डिस्टेंस पे फर्स्ट गोली रखा हुआ है. ओके, सो फ्रॉम हेयर देखो अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, और वेरिएबल्स भी दो है. सो एक काम करो, यहां से डी का वैल्यू आपको फाइनली यू निकालना है, राइट. सो टी का वैल्यू रख दो डी अपॉन यू कॉस थीटा, t is equal to d upon u cos theta, and substitute this value of time here in this one. So यहाँ पे क्या बचेगा, minus h is equal to u sin theta, time की जगह रख दो d upon u cos theta. So that is d upon u cos theta minus g by 2 into d square upon u square cos square theta. सो यहाँ पे एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट यू,
नाउ यू कैन फाइंड आउट यू इजिली, राइट। यहाँ से यू कैंसिल हो गया, एक यू ये बचा है, आप ये निकाल सकते हो। और इसका और अच्छा मेथड अगर मैं बताऊं तो आप क्या करो, पहले इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाल लो। जैसे आपको ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, राइट, और ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ वेलोसिटी यू, जो कि निकालना है। और ये इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो डी आनी चाहिए। सो इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और ये फाइनली यहाँ पर जाके गिरेगा, ठीक है, जो फर्स्ट गोली की पोजिशन है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो इक्वेशन है ये निकालो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। लेट मी टेक द कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ये पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर लो, 0, 0। और आपको पता है कि इसकी जो इक्वेशन आएगी उसमें ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा डी, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा माइनस एच। ये कोऑर्डिनेट हम सेटिस्फाई करा देंगे इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा इन टू टाइम। इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, यू वाई, ओके, यू साइन थीटा, दैट इज द यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इन टू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इन टू टी स्क्वायर। नाउ एलिमिनेट टाइम टू गेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो एक्स यू कैन सब्स्टिट्यूट टाइम एज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। So y is equal to u sin theta into time will be x upon u cos theta plus, okay, minus half g into t square x square upon u square cos square theta. Now check y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square into sec square theta. इसे लोग जनरली यू नो याद भी रखते हैं, अगर आपको याद है दैट इज फाइन, अदरवाइज इट्स अ वन लाइन डेरिवेशन, यू कैन ऑलवेज डू इट। नाउ सब्स्टिट्यूट वाई एज माइनस एच एंड एक्स एज डी, टेन थीटा, दिस इज द कोऑर्डिनेट, राइट, हाफ इंटू जी इंटू एक्स की जगह क्या रखना है डी, सो डी स्क्वायर यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नाउ एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट यू, यू कैन चेक एच का, h will be given, d will be given, theta will be given, means tan theta पता है, half g पता है, d पता है, sec square theta पता है, only variable is u and you can solve it. In fact, you can check, ये जो equation आई है, ये same है जो हमने पहले यहाँ पे derive की थी, you can check this one, यहाँ पे जो equation आई है, ये वाली, और हमने जो अभी derive की है, वो same है. So, इस तरह से, you know, ये, these kind of problems can be solved. Okay, fine then, I think, now you can do the problems based on this concept. If you have any problem that you want to discuss with me, you can share that problem in the Telegram group. Link is given in the description. Okay, then take care. Bye and best of luck for your exams.